Welcome back to my channel, Daddy's Little Girl. Please like, share and subscribe. चलिए आज दिखाते हैं आपको इरिश मास्टर पातुड़ी। तो यहाँ पर मैंने चार पीस इरिश ले लिया है, काजू ले लिया है, 8 से 10 पीसेस पॉपकिट सीड्स लिया है और यहाँ पर मास्टर्ड, ब्लैक मास्टर्ड एंड येलो मास्टर्ड मैंने लिया है और इसको अच्छी तरह से मैंने पेस्ट करके इरिश जो है उसके ऊपर इसको मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स किया जा रहा है और इसके बाद मैं ले लूँगी लौकी का पत्ता, जो लाव पत्ता बोलते हैं बंगाली में, उसमें हम अच्छे से इसको सरसों तेल लगा के फिर इरिश को इसमें रैप कर लेंगे एक धागा से। रैप करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर धागा ले लिया है और इससे अच्छे से यहाँ पर इसको रैप किया जा रहा है। पर मैंने सारे जो फिश है उसको अच्छे से रैप कर लिया और एक तवा में मैंने सरसों का तेल देके यहाँ पर गरम करने दिया है। उसके बाद गरम हो जाने के बाद तवा में आप इसको अच्छे से इसको सेकना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको आप ढक के भी सेक सकते हो, ढक के सेकोगे तो थोड़ा जल्दी होता है। बस इसको ऐसे ही तवा में छोड़ दिया है और जब दो पीट ये थोड़ा पूरा सेक जाएगा तो आपको लग जाएगा कि ये रेडी टू सर्व है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कलर जो है टोटली चेंज हुआ है लाव पत्ता का, तो इससे पता चलता है कि अंदर ये पक चुका है ऑलमोस्ट। तो इसको पकाने के लिए आपको 30 मिनट्स तो लग ही जाता है। और इसको चलिए अब इसको खोल के देखते हैं अंदर से ये पका है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरा इलिश ये रेडी हो गया है। मैं थोड़ा सा आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये इलिश पूरी पक चुका है। आप इसको गरम गरम राइस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।